रोशन करे दुनिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शाइना एनसी। स्वागत है आप सभी का विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में। हर हफ्ते हम आपसे मिलाते हैं एक नई शख्सियत से, ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं और दुनिया में रोशन फैलाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर शोभा तोमर जी मौजूद है, जो डायरेक्टर है NIMS यूनिवर्सिटी के। नमस्कार साइना जी, आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर शोभा तोमर हूँ, मैं फाउंडर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड वाइस चेयरमैन NIMS यूनिवर्सिटी हूँ। मेरा जो जन्म है मिडिल क्लास फैमिली में मुरादाबाद में हुआ था। मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे से छोटे तीन भाई हैं। मेरा बचपन से ही सपना था, जब मैं फिफ्थ क्लास में थी, कि मैं डॉक्टर बनूं। लेकिन सपना और डॉक्टर बनना तो सपने से पूरा होता नहीं है, इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने भी बहुत मेहनत करी। हमारे उस समय CPMT हुआ करता था, मैंने CPMT में पहले उसमें अटेम्प्ट में पास कर गई CPMT और अच्छी रैंक आई, जिससे कि मेरे को लखनऊ का किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज पड़ा। और मैंने किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज में 4.5 साल की पढ़ाई 4.5 साल में ही की। और मैंने 1 साल का कोर्स किंग्स कॉलेज लंदन से भी किया हुआ है इनफर्टिलिटी में। देखिए, अगर हम इनफर्टिलिटी के 100 पेशेंट लेते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि 33% में मेल में खराबी रहती है, 33% में फीमेल में रहती है और 33% में मेल और फीमेल दोनों में ही रहती है। जो मेरा वो है सब्जेक्ट इनफर्टिलिटी पर ही है और मैंने लंदन में टेस्ट बेबी पे ही काम किया है। और यहाँ आकर मैंने जो है अपना IVF सेंटर NIMS में भी बनाया है और घर में सामने युवा में भी बनाया है, जो बहुत अच्छा चलता है। और जो गरीब पेशेंट होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं IVF, उनके लिए हम NIMS में करते हैं और बाकी घर पे तो करते ही करते हैं। और मेरा जो फोन नंबर है 9829051020 है। और जो मेरा ईमेल एड्रेस है shobha.tomar@nimsuniversity.org है। उसके बाद PG में मेरा लखनऊ में भी हो गया था और PGI चंडीगढ़ में भी हो गया था। तो इस तरीके से मेडिकल पास करके फिर हम जयपुर में आ गए। यहाँ मेरा सरकारी अस्पताल मैया सांगानेरी गेट पर मेरा जॉब लग गई। जॉब लगते ही लगते फिर बात को 2000 में जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम यहाँ भी मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं, तो हमने VRS लेकर यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। डॉक्टर शोभा तोमर जी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलने का क्या एम था? मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का क्या विचार था और क्यों आपने NIMS यूनिवर्सिटी खोला? देखिए, पहले तो प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट नहीं खोले जाते थे। सन 2000 में हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि अब आप राजस्थान में भी प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। हम दोनों ही, मैं और डॉक्टर तोमर, हम दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में थे और हम देखते थे कि यहाँ पर राजस्थान में भी डॉक्टर्स की बहुत कमी है। तो हमने जयपुर दिल्ली हाईवे पर हमने जमीन खरीदी 25 एकड़, और इसका जो इनॉग्रेशन था, फाउंडेशन स्टोन था, ये हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने 2002 जुलाई में रखा। और अब जब कभी भी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होती है तो मुख्यमंत्री जी एक ही क्वेश्चन पूछते हैं मेरे से कि और मिसेस तोमर, आपका NIMS यूनिवर्सिटी कैसी चल रही है? और मेरा एक ही जवाब होता है, सर फाउंडेशन स्टोन तो आप ही नहीं रखा था, पौधा तो आप ही नहीं लगाया था, हम तो उसको सींच रहे हैं। और देखिए, आज ये सींचते सींचते पौधा एक बड़ा वृक्ष बन गया है। समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, क्यों ना आओ इस कर्ज को उतार दें। इंडियन मेडिकल ट्रस्ट कैसे कार्य करता है और समाज सेवा में आप कैसे लोगों को मदद करते हैं? देखिए, जब हम किसी संस्थान को, यूनिवर्सिटी खोलते हैं तो पहले हमको एक ट्रस्ट बनाना पड़ता है। ये इंडियन मेडिकल ट्रस्ट हमारा ट्रस्ट है, जो कि हमारा देवस्थान विभाग से पंजीकृत है और इसमें मैं वाइस चेयरमैन हूँ और मैं आजीवन रहूंगी। ये हमारा ट्रस्ट जो है जगह जगह कुएं खोदने का, बच्चों की एजुकेशन के लिए फ्री एजुकेशन है, धर्मशाला खोलने का, जो विधवाएं हैं उनकी सेवा करने का। हमने इसमें न्यूज इंडिया भी खोली थी ट्रस्ट अंदर, जिसकी न्यूज इंडिया में बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये सब के लिए हमने खोला था और बच्चों को एजुकेशन भी बहुत कम फीस पर ली जाए, इसका उद्देश्य यही था हमारा। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा संस्थान खोलने की प्रेरणा कहाँ से मिली और क्यों आपने ये लक्ष्य किया कि एजुकेशन ही एक फोरम है लोगों की प्रगति के लिए? ग्रामीण में शिक्षा हमने इसलिए खोली है कि
वहाँ के जितने भी ग्रामीण लोग हैं जो क्वालिफाइड हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो हमारा ध्येय ये था कि हम जैसे जैसे जिसकी क्वालिफिकेशन है, जो माली का काम जानता है तो उसे माली लगाएंगे, जो ड्राइवर का काम जानता है उसे ड्राइवर लगाएंगे, जो पियोन का काम जानता है उसे पियोन, वार्ड बॉय के भी हैं। ज्यादातर कर्मचारी हमने अपने गाँव से ही लिए हुए हैं। और ग्रामीण में हमने देखा है कि बच्चों को पढ़ाते नहीं है, तो हमने अपने स्कूल में खाली यही है, मेडिकल का है, KG से 12वीं तक के भी स्कूल है हमारे पास, जिसमें कि आसपास के गांव वाले सारे पढ़ने आते हैं हमारे यहाँ। और ये जो है हमारा सेंट्रल बोर्ड CBSE से रिकॉग्नाइज्ड है, और गांव वाले बच्चे बड़े खुश होते हैं कि अरे हमारे बच्चे तो इंग्लिश बोलने लगे, हमारे बच्चे तो मंजन करने लगे। तो बच्चों के लिए भी हमने खोला है, और आसपास के बच्चे इसकी MBA भी है हमारे यहाँ, इंजीनियरिंग है, पैरा मेडिकल है, नर्सिंग है, फार्मेसी है। तो मेडिकल के अलावा ये सारे भी हैं, क्योंकि मेडिकल और डेंटल के लिए तो आपको नीट पास करना पड़ता है, लेकिन इन कोर्सेज के लिए नहीं है। तो आसपास के ग्रामीण लोग बहुत आते हैं हमारे पढ़ने के लिए, तो काफी सुविधाएं मिलती हैं ग्रामीण लोगों को। हॉस्पिटल भी हमारा फ्री है एकदम से। हमारी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बना रखी हैं, चिरंजीवी योजना है, जिसका कि पूरा सारे गांव वाले जो हैं उपयोग करते हैं। आपके संस्था गरीब बच्चों के और मजदूरों के लिए किस प्रकार से मदद कर रही है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि रोशन करे दुनिया एक ऐसा फोरम है जहां अच्छा काम करो, लोगों की जिंदगी में रोशन फैलाएं, इसका एक प्रेरणा भी मिलता है और लोग भी जुट सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ तो बिल्कुल फ्री इलाज चलता है ना सबका, सारे ऑपरेशन फ्री, सारी डिलीवरीज फ्री होती हैं। और बल्कि डिलीवरीज के बाद हम तो माँ को और बच्चे को खाने के लिए 10,000 का उनको FD भी बनाते हैं उनके लिए। हमारे यहाँ किसी इलाज में पैसे नहीं रखते हैं, बिल्कुल एकदम फ्री है। और जो हमारे जो बच्चे पढ़ने आते हैं स्कूल में, लड़कियां तो फ्री पढ़ती ही पढ़ती हैं, लेकिन लड़कों को भी 50% फीस में, मतलब इतनी कम फीस है स्कूल की हमारी KG से 12वीं तक की, कि आसपास के किसी सरकारी स्कूलों से भी फीस कम है। और इंजीनियरिंग, MBA इन सब में भी हम 50% फीस रखते हैं अपने बच्चों की, जो ग्रामीण स्टेट के हैं। हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो। क्या है आपकी सोच, कौन कौन है आपके साथ इस पूरे मुहिम में? 2000 में जमीन खरीदी थी, 2002 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखवाया था। उस समय तो बनाया तो मैंने या मेरे पति डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर ने बनाया है। बच्चे तो सारे बाहर से पढ़ रहे थे, बच्चों का तो उस समय सहयोग नहीं रहा है बिल्कुल भी, बच्चे तो थे ही नहीं यहाँ पर, बच्चे तो अब आए 8-10 साल से। आपके द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की भी शुरुआत हो गई है, क्या है ये योजना और कैसे आप प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके अंतर्गत हमारे हॉस्पिटल में जितनी भी फीमेल डिलीवरीज होती हैं, उन सबको मैं KG से 12वीं तक की शिक्षा अपने स्कूल में फ्री देती हूँ। उनको मिड डे मील भी देते हैं और उनको हर बच्ची के नाम से 10,000 का चेक भी देते हैं हम, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है कि बच्चियों को भ्रूण हत्या कर देते थे, ये कर देते थे। तो इन सबको बचाने के लिए हमने क्या, नहीं लड़कियां कम नहीं है हमारे देश की, हमारे देश की बेटियां भी कम नहीं है, तो इसलिए हमने अपने स्कूल में जितनी भी बेटियां हमारे हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है सबको हम फ्री एजुकेशन देते हैं। बड़ी नहीं छोटी ही सही, दिल में हो भाव सेवा, मिले किसी को खुशी, यही है सबसे बड़ा समाज सेवा। कोरोना महामारी के दौरान समाज के लिए आपने क्या किया, आप हमें बताएं? हमने जो है 300 ICU बेडेड पूरे कोरोना को समर्पित कर दिए थे। और हमारे यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर तो हमारा खुद का प्लांट था, जिससे कि 280 सिलेंडर पर डे मिलते थे हमको, लेकिन हमारी भारत सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने भी हमें बड़ी मदद की, हमको कभी भी सिलेंडर की कमी नहीं आने दी, हर तरीके से हमें सहयोग किया है। कोरोना काल में हमारे डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, नर्सिंग स्टाफ ने 24-24 घंटे, एक हफ्ते की ड्यूटी लगती थी, पूरे पेशेंट की जी जान से सेवा की है और बहुतों को बचाया है। सेकेंड जो वेव थी वो बड़ी खतरनाक थी, उसमें कई कैजुअलिटी भी हुई, हमारे यहाँ के एक डॉक्टर्स की भी डेथ हो गई है। और इस समय हमने करीब 2,500 पैकेट, फूड पैकेट रोजाना बंटवाते थे जरूरतमंदों के लिए, खाने के पैकेट। महिलाओं को लेकर भविष्य में आपकी क्या योजना है? अगर हम महिलाओं को सशक्तिकरण करना चाहते हैं, अगर हम महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। अगर महिला स्वस्थ होगी तभी वो पढ़ पाएगी, तभी वो आगे बढ़ पाएगी। और दूसरा, अगर नारी शिक्षित होती है
एक नारी तो वो दो परिवारों को शिक्षित करती है, एक तो अपने माँ के परिवार को और एक अपनी ससुराल को। इसलिए नारी का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षित के साथ साथ नारी को स्वावलंबी भी होना चाहिए, उसको अपनी इनकम होनी चाहिए, अपनी अर्निंग होनी चाहिए। अर्निंग के लिए अगर शिक्षित नहीं है तो किसी न किसी तरीके से उसको स्किल्ड होना चाहिए, जैसे कि ब्यूटी पार्लर का काम है या टिफिन बना के कर ले या और भी जो कुछ काम कर सकती है, उसकी अपनी अर्निंग होनी चाहिए। उसको अपने हस्बैंड या अपने फादर के ऊपर पूरा कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। और मैं चाहूंगी कि नारी को शिक्षित करने के लिए अगर एक महिला शिक्षित है तो अपने मन में ठान लें कि हमारे आसपास जो दो नारी हैं या बच्चियां हैं जो शिक्षित नहीं है, हम उनको शिक्षित करेंगे। तो देखिए इस तरीके से बहुत सी महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी। आपको उत्कर्ष शिक्षा और मेडिकल सेवाओं के लिए बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, आप कैसे देखते हैं इन पुरस्कारों को? देखिए मुझको जो है सबसे पहले तो लीडिंग लेडी ऑफ राजस्थान, फिर मुझे वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड, मुझे बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट का अवार्ड, अभी बेस्ट वुमेन आइकॉन अवार्ड। इस तरीके से छोटे मोटे, क्योंकि मैं पेशेंट की बड़ी अच्छी तरीके से देखती हूँ और मैं जब पेशेंट को देखती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि ये मेरी छोटी बहन है, मेरी बेटी है, मेरी भाभी है। तो जब मैं पेशेंट को इस तरीके से देखती हूँ तो पेशेंट जरूर ठीक होती है, मेरे 80% 90% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो इस सब के लिए देखते हुए मेरे को पुरस्कार मिल चुके हैं। मुझे राजीव गांधी अवार्ड मिला है, मुझे हाउस ऑफ लॉर्ड लंदन से महात्मा गांधी अवार्ड भी मिल चुका है। इस तरीके से बहुत सारे अवार्ड मिले हैं मेरे को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे काम करने के लिए। अंत में उन सभी बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और हमारे श्रोताओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि अगर हमें समाज की तरक्की करनी है तो महिलाओं को आगे लाना होगा। देखिए हमारी 50% पॉपुलेशन जो है महिलाओं की होती है, इससे ज्यादा ही होगी। तो अगर हमें किसी समाज को आगे बढ़ाना है तो महिलाओं की भागीदारी पूरी होनी चाहिए। महिला में बहुत टैलेंट होता है, बस उसको अपॉर्चुनिटी मिलने की जरूरत होती है। मैं चाहूंगी जितने भी टेबल मेकिंग डिसीजन हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो सीएम हाउस में हो, पीएम हाउस में हो, कहीं भी हो, उसमें महिला की भागीदारी बहुत जरूरी है। और महिला की भागीदारी के लिए हमें चाहिए कि महिलाओं को खूब पढ़ना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, ये तभी संभव हो पाएगा। आज की मुश्किल कल की बेहतरी का संदेश देती है, उम्मीद अगर साथ हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाती है। आपके लिए, शोभा जी के लिए हम सिर्फ ये कहेंगे कि जीत और हार सोच पर निर्भर होता है। मान लो तो हार, ठान लो तो जीत होती है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें झुका करती है। डॉक्टर शोभा तोमर जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद विविध भारती को और साइना जी को जिन्होंने की मेरा इंटरव्यू लिया है। श्रोताओं, आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि आप समाज सेवा से जुड़ें, अच्छा काम करें और अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम रोशन करे दुनिया शाइना एनसी के साथ। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। नमस्कार। रोशन करे दुनिया।